नमस्ते, जय जगन्नाथ। तो चलिए मैं और एक वीडियो लेके आ गई हूँ। तो ये जो वीडियो लाई हूँ, मैं एक फेशियल करने वाली हूँ। तो जो फेशियल करने वाली हूँ वो कल मेरा एक प्रोग्राम है, तो इसीलिए मैं फेशियल करने वाली हूँ। और फेशियल अगर जाएंगे पार्लर करने तो कम से कम तो 500-600 का लेंगे, तो इसीलिए मैं एक किट लाई हूँ मामा अर्थ की। तो मामा अर्थ ये विटामिन सी और इसमें टर्मरिक भी है, तो इसी का मैं फेशियल करने वाली हूँ और इसका रिव्यू दिखाऊंगी ये कैसे करने से कैसे होता है, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया है और मैंने मुंह वगैरह साफ भी नहीं किया है। मतलब दिन भर का जो काम वगैरह करी थी वो सब है, मेरे मुंह में मैले वगैरह सब है, तो मैंने अभी साफ वगैरह नहीं की हूँ। और इसको करके मैं आपके सामने दिखाती हूँ मेरा चेहरा कितना ग्लो किया कि नहीं किया, कि कुछ साइड इफेक्ट हुआ कि नहीं, इसका मैं अभी करके दिखाऊंगी। तो इसके पीछे अगर किसी को फेशियल नहीं आता है फिर भी ये पढ़ के आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिक्स स्टेप दिया है, 6 स्टेप दिया है और 6 स्टेप का कैसे कैसे करना है वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसको खोल के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए 6 ट्यूब है, तो ये ट्यू है ये, तो ये कम से कम 2 बार जा सकता है, 2 बार आप कर सकते हैं फेशियल, 2 से 3 बार, 3 बार भी नहीं होगा लेकिन 2 बार अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए मैं एक एक स्टेप निकाल के एक एक करती हूँ और आपको बताते जाती हूँ कैसे करना। अभी स्टेप 1 निकाला है और स्टेप 1 में लिखा है विटामिन सी क्लींजिंग मिल्क। तो क्लींजिंग मिल्क करूंगी, जो मेरा मुंह में जो डस्ट वगैरह जो पसीना हुआ है, जो मैला जमा हुआ के रह गया होगा, तो इससे साफ हो जाएगा। तो चलिए मैं स्टेप 1 पहले शुरू करती हूँ और इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ ये कैसे है। देखिए ये अभी ऐसे बंद हुआ है, अभी इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैंने हाथों में निकाल दिया है, ये देखिए, और ये बहुत ठीक है, बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और अभी मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं अभी लगा के इसको अच्छे से मसाज कर लेती हूँ और मसाज करने के बाद इसको धो लूंगी। और मैं इसको कानों में भी लगा रही हूँ थोड़ा सा। तो चलिए मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है, अभी इसको धो के अच्छे से हल्के हल्के हाथों में पोंछ लूंगी अच्छे से मैंने। तो ये है स्टेप 2, फेस स्क्रब है, विटामिन सी फेस स्क्रब। तो चलिए मैं अभी फेस स्क्रब कर देती हूँ, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं अभी इसका, मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है, तो इसको खोल के ही मैं सब आपके सामने ही खोल रही हूँ, देखिए। और अभी मैं हाथों में ले रही हूँ, देखिए। तो मुझे जितना चाहिए मैं उतना ली हूँ, देखिए, और चाहिए होगा तो थोड़ा सा लूंगी, और भी बहुत है। तो चलिए मैं अच्छे से लगा के इसको अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। और मैं ये जो क्रीम किट खरीदी हूँ मेरे खुद के पैसे से ही खरीदी हूँ। थोड़ा सा नॉर्मल पानी लाया हूँ और हाथ में इसे थोड़ा सा गीला करती हूँ और इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट ऐसे हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मसाज करिए। और मसाज करने के बाद मैं इसको अच्छे से धो लूंगी धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से, कानों में भी हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे गोल गोल करके घुमाना चाहिए। तो चलिए मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है और इसको अभी ठंडे पानी में, ठंडे पानी मतलब नॉर्मल पानी में मैं धो लेती हूँ। ना ग्लो आया है। पानी में धोने के बाद ऐसे हल्के हल्के हाथों में कपड़े से पोंछ लीजिए। अभी स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 विटामिन सी जेल है, जेल है। तो चलिए स्टेप 3 देखते हैं। इसको 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक पूरा आपके चेहरे में अब्जॉर्ब ना कर ले, मतलब जैसे पूरा सूख ना जाए, तब तक करना है। तो 1 से 2 मिनट तक इसको मसाज करना है हल्के हल्के हाथों से। तो चलिए, तो देख,
ये देखिए, और पूरा हल्के हल्के हाथों से, हल्के हल्के हाथों में मसाज करने के बाद इसको धोना नहीं है पानी में, ऐसे ही मसाज कर, और इसको मैं पूरा तेल में मिक्स होने तक इसको करूंगी, और इसको धोना नहीं है, और इसको 1 से 2 मिनट तक इसको भी मसाज करना है। तो चलिए, पूरा अच्छे से मैंने मसाज कर लिया है और 2 मिनट मेरा हो गया है, देखिए। तो देखिए, पूरा चेहरे में मेरा पूरा मिक्स हो गया है। अभी स्टेप 4 है। स्टेप 4 में लिखा है मसाज क्रीम है, तो इसको विटामिन सी मसाज क्रीम स्टेप 4। तो अभी इसको 5 से 10 मिनट तक इसको मसाज करना है। तो चलिए, मैं इसको मसाज करती हूँ 5 से 10 मिनट तक। कम से कम आपको अगर टाइम नहीं है आपके पास 10 मिनट करने के लिए, तो 5 मिनट तक कम से कम करना चाहिए। तो चलिए, मैं इसको करती हूँ, और मुझे इसको रात में ही कर रही हूँ, क्योंकि रात भर में आराम से सो जाऊंगी तो और अच्छा ग्लो आएगा। क्योंकि दिन में करती तो धूप में निकलना पड़ता है, जो मेरे को प्रोग्राम है घर में, तो मेरे बेटे का बर्थडे है, इसलिए मैं सोची तो है तो मेरे पास किट है, तो मैं थोड़ा सा मसाज मतलब फेशियल कर देती हूँ, क्योंकि मैं इतना फेशियल नहीं करती हूँ, कभी कभार करती हूँ, वो भी अगर मेरे को गांव वगैरह जाना होता है तो इच्छा होता है तो करती हूँ, नहीं तो नहीं। तो इसलिए चलिए स्टेप 4 कर लेते हैं मसाज क्रीम से। अभी इसको मैं आपके सामने ही सब स्टेप निकाल रही हूँ, और इसको निकाल के अभी देखते हैं 5 से 10 मिनट तक इसको करना है मसाज क्रीम। तो बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा है सब, देखिए, और बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, अभी मैं इसको भी कर देती हूँ, 5 से 10 मिनट तक इसको मसाज करना है। तो चलिए, 5 से 10 मिनट तक कर लेते हैं। तो चलिए, अच्छे से मसाज कर लेते हैं, और मसाज करने के बाद इसको फिर धो लेंगे। और थोड़ा सा हाथ सूखा हो रहा है, तो इसलिए पानी थोड़ा सा इसको कर देते हैं। पानी से गीला करके करने से हाथ थोड़ा सा घूमेगा अच्छे से, इसलिए मैं पानी गीला। आपको कोई भी ऐसा नहीं बताए होंगे, तो हाथ अगर सूखा हो जाएगा तो 5 से 10 मिनट के लिए बोले हैं, तो थोड़ा सा गीला करके, हल्के हल्के गीला करके फिर मसाज करेंगे तो अच्छे से हाथ घूमेगा और अच्छे से भी मसाज होगा। तो चलिए, मसाज हो गया है, मैंने धो लिया है मुंह को और अच्छे से साफ कर लिया। सॉफ्ट लग रहा है अभी तक, जैसे पार्लर में लगता है पूरा वैसे ही लग रहा है। स्टेप 5, तो स्टेप 5 में फेस मास्क है, विटामिन सी फेस मास्क। तो इसको हम लोग 15 मिनट तक रखेंगे, जब तक सूख जाएगा तब तक रखेंगे। तो चलिए, मैं इसको भी लगा देती हूँ 15 मिनट के लिए, देखिए कितना। तो चलिए, अच्छे से मुंह में लगा देते हैं, और मुंह में लगाने के बाद ये मेरा 5 स्टेप है, तो 5 स्टेप मेरा कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट स्टेप बाकी है। तो चलिए, मैं इसको लगा के 15 मिनट तक सूखने देती हूँ। इसको अभी 15 मिनट तक सूखने देती हूँ, और उसके बाद मुंह धो लेती हूँ। तो देखिए, 15 मिनट हो गया है और ये मेरा सूख गया है। तो चलिए, अभी मुंह धो लेते हैं, और मुंह धोने के बाद आपको फिर देखिए मेरा मुंह कितना साफ दिख रहा है, और बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है छूने से। जो लास्ट स्टेप है तो उसको लगा देते हैं, स्टेप 6। और स्टेप 6 है रेडियंस क्रीम। ये है एक क्रीम, जैसे हम सिंपल क्रीम लगाते हैं उसी तरह का क्रीम है, और इसको लगाने के बाद मेरा सब स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, मामा अर्थ विटामिन सी एंड टर्मेरिक। तो ये मेरा फेशियल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, स्टेप 6 लगाते हैं,
और कंप्लीट करते हैं मेरे वीडियो को। और रात तो देखिए वो बहुत ठीक है क्रीम। और चलिए लगा के देते हैं विटामिन सी। तो चलिए अच्छे से मैं क्रीम लगा के और अच्छे से मसाज करके कंप्लीट करती हूँ स्टेप सी। जैसे नॉर्मल क्रीम लगाते हैं उसी तरह लगाना है और मैं क्रीम सब तरफ लगाना है। तो चलिए पूरा नॉर्मल क्रीम की तरह मैंने लगा दिया है और मेरा ये स्टेप 6 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए पूरा स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया है और चेहरा मेरा बहुत ही सॉफ्ट लगा और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं पहली बार खुद ही करी हूँ मेरे मुंह में, मेरे चेहरे पे खुद ही मैंने फेशियल किया है पहली बार। तो चलिए आपको कैसे लगा मेरा ये वीडियो मेरे को जरूर जरूर कमेंट करिए। ये फेशियल रखती हूँ और मामा अर्थ विटामिन सी टर्मेरिक फेशियल किट मैंने आज पहली बार यूज किया है और बहुत ही अच्छा है और चेहरा मेरा बहुत ही अच्छा लगा। ना जलन हुआ, ना चेहरे में कुछ दाग वगैरह हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। और मैंने गले में भी किया, कानों में किया, सब तरफ किया है और बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए यहीं पर मैं वीडियो रखती हूँ। आपको कैसे लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते और गुड नाइट।